का ये थर्ड क्वार्टर फाइनल एशियन डायनामाइट्स कोगी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया एक अच्छा मैच होने की संभावना लेकर सामना करेंगे हरीश और बहुत बढ़िया गेंद और एक रन चुरा ले बनकर खेलना होगा आगे शुरुआत कोगी के द्वारा अगली गेंद एक बार घुमा दिया है इस बार फील्डर जरूर उसके नीचे आ रहे हैं एक और छक्का 6 रनों के लिए बहुत तगड़ा शॉट बल्लेबाज के ऊपर बहुत बढ़िया तो एक निश्चित रूप से एक बड़े लक्ष्य पर बल्लेबाजी जाना चाहिए अच्छा गेंद और उतना ही अच्छा डिफेंस समान दिया इसी के साथ ओवर की समाप्ति एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 14 रन बाकी गेंदबाज एक 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 ओवर में 14 रन खर्च किए पहली मरतबा ड्रॉप लेकर आए हैं अजय सामना करेंगे हरीश और कैसे प्लेयर के लिए गाइड कर दिया चले छोटे छोटे कदमों से अंपायर को पार किया स्लोअर गेंद और उतना ही लंबा वहां पर काका और वहां पर 6 रन बहुत तगड़ा शॉट देखिए क्या धमाकेदार शुरुआत कोगी के द्वारा तगड़े होकर खेलती हुई कोगी टीम अगली मर्तबा फिर से वहां पर बहुत बढ़िया गेंद वापसी करते हुए अच्छू अच्छी वापसी अजय के द्वारा एक अच्छा टारगेट पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए कोगी टीम बहुत अच्छा तगड़े होकर खेल रही है क्यों ना खेले यहाँ की स्थानीय टीम है और फिर से बहुत तगड़ा शॉट वहाँ पर शानदार और उतनी बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर एक रन पूरा कर लिया उसी बीच अगली मर्तबा और एक और छक्का 6 रन सीमा रेखा के बाहर तो ये क्या दिख रहा है अब कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं डायनामाइट के कप्तान टीम के हौसले में डाल दिया है जबरदस्त ये मैच चल रहा है स्लो मर गए उसे गोल करने का प्रयास एक रन चुरा लिया और दो ओवर की समाप्ति में स्कोर है 29 जिस तरह की शुरुआत दी है सामना करेंगे हरीश जो कि अभी तक बहुत तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं पहली ही गेंद से वहां पर सामने का प्रयास और एक रन पूरा कर लिया एक रन अतिरिक्त के रूप में आया तो दो रनों का इजाफा होता हुआ अगली मर्तबा सामना करेंगे काका फिर से खारिज मार सीधा अपने फॉलो का शॉट लेकिन कैच था लेकिन आसान नहीं होता अपने फॉलो थ्रू में इतनी देर में पकड़ना का हरीश और सुनील चले और फिर से वहां पर बहुत बढ़िया शॉट लेकिन कोई रन नहीं और अगली मर्तबा और फिर से वहां पर अच्छी गेंद कनेक्ट नहीं कर पाए लगातार उठाकर मारने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक बल्ले पर कनेक्ट नहीं हुई अच्छी वापसी करते हुए सुनील और अगली मर्तबा इस बार देखिए क्या जबरदस्त तरीके से ये शॉट खेला है सराहना करनी होगी हरीश के द्वारा इस बल्लेबाज और जितनी सराहना बहुत ही शानदार तरीके से बहुत चिंता की लकीर एशियन डायनामाइट पर इस बार निश्चित रूप से क्या ये वाइड हो सकती है दो रन आ चुके हैं अतिरिक्त के रूप में वाइड बॉल आउट देखने को जब लय में होते हैं तो पखिया उड़ते रहते हैं एक और जबरदस्त शॉट पर अंतु दो रन बहुत भय है बहुत तगड़ा काम किया इन्होंने भी और फिर से उसी दिशा में एक और तुक्का दो रनों के लिए 14 रन खर्च के इसमें तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 44 रन तो अब चिंता की लकीरें
एशियन डायनामाइट के खेमे में कवर लेकर और वहां पर बढ़िया गेंद कनेक्ट नहीं कर पाए और कोई रन नहीं डॉट गए। बहुत तगड़े तगड़े बल्लेबाज है कोकी टीम में और फिर से वहां पर बढ़िया शॉट लेकिन बढ़िया फील्डिंग और एक रन चुरा लिया। फिर बढ़िया गेंदबाजी की है अभी तक और वहां पर शॉट खेल दिया एक रन पूरा कर लिया इसी बीच तो अभी तक बहुत बढ़िया ओवर घटता हुआ डायनामाइट के लिए ये और सोनू चले हरीश के लिए और फिर से उसे उठाकर मारने का प्रयास था लेकिन वहां पर दूसरे रन की कोशिश बाल बाल बचे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि काका दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया ये गेंद सामने का और कड़ा प्रहार वहां पर मिले के पूरे आधा दर्जन रन कोकी सोनू अग्निमत्वा फिर से चले अंपायर को किया पार ये गेंद सामने काका काफी बढ़िया गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला कोई रन नहीं ओवर की समाप्ति चार ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 53 रन एक विकेट के माफ कीजिएगा बिना किसी नुकसान के उदय अगली बार तो फिर से सामने है काका फुल टॉस गेंद सही नसीहत नहीं दे पाए मिलेगा मात्र एक रन उदय अगली बार तो फिर से सामने है हरीश ये गेंद स्लो रन थी सही तरीके से खेल नहीं पाए और स्टंप आउट वहां पर काफी बड़ा यह विकेट उदय दौड़ना शुरू किया फायर को पार किया ये गेंद और काफी बढ़िया गेंद वहां पर पैरों पे थी दूसरे के लिए पलटे लेकिन मना किया दिशा से बटके अंपायर का निर्णय वाइड बॉल उदय अगले मैच तो फिर से सामने है काका ये गेंद अंपायर को पार किया फुल टॉस गेंद लंबा प्रहार मिलेंगे पूरे छह रन डायनामाइट के अगली बार तो फिर से उदय अंपायर को किया पार फिर से फुल टॉस खिलाड़ी से खासा दूर फिर से मिलेंगे छह रन का यह ओवर उदय एक बार फिर से सामने काका फिर से फुल टॉस और फिर से लंबा प्रहार प्राप्त करेंगे पूरे छह रन अंतिम गेंद चार गेंदों में चार छक्के वहां पर काका के बल्ले से कप्ती पे स्कोर है 81 रन पहली मरतबा चले सामने भवि और काफी बढ़िया गेंद वहां पर सीधा हाथों में एक और विकेट का पतन प्रहार करे काफी रन अर्जित करे अक्षय को आवश्यकता डॉट गया तो देखते हैं किसकी जीत होती है अगले मत फिर से और वहां पर तेज तरार गेंद समझ नहीं पाए उनका स्थान लेना है पत्नी हैट्रिक पर अक्षय दौड़ना शुरू किया फायर को पार किया ये गेंद शॉट फुल टॉस गेंद हल्के हाथों खेला मिलेंगे पूरे छह रन फाइनल की तरह रोमांच इस मैच में अक्षय अग्निमत्वा फिर से सामने है बंदी ये गेंद बंदी के लिए एक किले भाई एक किले लाइटमैन का इशारा ना बाकी आउट बल्लेबाज काका दो गेंदों में दो छक्कों में भी तब्दील कर सकते हैं काका अक्षय की ये गेंद नीचा रहता गेंद काफी किफायती अतिमत्वा अक्षय अंपायर को पार किया एक लट्टू गेंद अंतिम गेंद मिलेंगे पूरे छह रन 94 रनों की आवश्यकता एशियन डायनामाइट को जीत के लिए काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी पहली मत्वा अंपायर को पार किया सामने काफी खराब गेंद अगली मत्वा फिर से चले विजय और खराब गेंद सही नसीहत दी मिलेंगे पूरे छह रन चले वीरेंद्र अंपायर को पार किया ये गेंद कड़ा प्रहार गेंद है
के लिए गेंद छोटा गेंद खराब हाथ खिलाड़ी मौजूद
Shot! Challenge the magic yet! Asian Dynamics!